व्हाट्स अप माय यूट्यूब डियर फैमिली। तो भाई आज के दिन बात करने वाले हैं आपकी हिप को आपकी बटक को कम करने के लिए। ठीक है भाई, बटक क्या है, गांड कुल्हे। ठीक है भाई, आपके कुल्हे कौन से होते हैं ये वाले। ठीक है भाई, क्या था बहुत सारे भाई और बहनों को, लड़कियों लड़कियों को दोनों को होता है, उनके यहाँ पर फैट जमा होता है। ठीक है भाई, जिसके कारण वो जीन्स पहनते या कुछ भी पहनते बार बार नहीं होता और अच्छा नहीं लगता। ठीक है भाई, क्योंकि फैट जमा होता है। तो मैं बताऊंगा आज एक एक्सरसाइज आपको क्या करना है, स्पॉट रनिंग करती है। स्पॉट रनिंग करने इससे क्या फ़ायदा है कि आपकी रनिंग की स्पीड बढ़ जाएगी, आपके घुटने भी कभी दर्द नहीं करेंगे और आपका ये वाला फैट भी बर्न हो जाएगा। ठीक है भाई, फिर आप फिट हो जाएंगे एकदम। ठीक भाई, इतने सारे फायदे और बहुत सारे फायदे स्पॉट रनिंग करने के। फिर आपकी स्पीड रनिंग की तगड़ी बन जाएगी और आपका ये सब ठीक हो जाएगा। ठीक है भाई, तो इसके लिए आपको स्पॉट रनिंग करनी। स्पॉट रनिंग कैसे करते हैं मैं बताता हूँ, थोड़ा ज़रूर देखना। इसके लिए मैं बताता हूँ स्पॉट रनिंग कैसे करते हैं। तो भाई इसे खड़ा हो जा रहा है, फिर स्पॉट रनिंग। इसको करने के लिए क्या करना है कि आपको राइट हैंड निकलना है, फिर लेफ्ट पैर लेफ्ट वाला, फिर ये नीचे आएगा दोनों, फिर क्या होगा ये राइट वाला पैर निकलेगा, फिर ये लेफ्ट वाला हाथ। ठीक भाई, ऐसे ऐसे ही करना है। ठीक भाई, तो ये होगी हमारी स्पॉट रनिंग, बहुत ही आसान है। आप घर पे कर सकते हो और आपकी फैट बर्न कर सकते हो घर पर ही आपके कुल्हे को। ठीक है भाई, आपकी हिप अच्छी हो जाएगी, फिर आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, घर पर ही करना है। ठीक भाई, क्या करना है, खड़े होकर ठीक सिर्फ ऐसे ही करना है, इससे आपका फैट बर्न हो जाएगा। ठीक भाई, और आपके कुल्हे एकदम टाइट हो जाएंगे। ठीक भाई, तो आपको क्या करना है, जितना ऊंचा हो सके इतना ऊंचा लाना है। ठीक भाई, जोर वगैरह दबाना, आपकी गाँव जितना भी दबा इतना पावर पूरा निकाल दो। ठीक भाई, स्पीड में ऐसे। ठीक भाई, 10-15 मिनट तक ऐसे ऐसे करना हर रोज, तो आपका ठीक हो जाएगी आपकी हिप। ठीक, मैं गारंटी देता हूँ। तो वीडियो पसंद है, इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि मैं हर रोज आपके लिए वीडियो ऐसे डालता ही रहता हूँ घर पे। ठीक भाई, आपकी घर पर ही मैं बॉडी बताऊँगा, सब घर पर ही काम करने वाला हूँ।